छोटा सा प्यारा सा फूड ट्रक है, यहाँ पे मिलता है जी दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड। स्वागत है जी आप सबका चिटोरा पॉइंट के एक और नई वीडियो में। और भाई इस वक्त मैं घूम रहा हूँ जी फ्रेजर स्ट्रीट में वैंकूवर में, और भाई आज मैं ट्राई करने आया हूँ जी इंडियन स्ट्रीट फूड। और कहाँ पे कवर करने आया मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ। छोटा सा प्यारा सा फूड ट्रक है, यहाँ पे मिलता है जी दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड, पाव भाजी, स्प्रिंग रोल, पानी पूरी, चाट पापड़ी वगैरह सब कुछ है। और इंडियंस तो यहाँ पे जो रहते हैं वैंकूवर वगैरह में आके फूड ट्राई कर रहे हैं। टेक अवे काउंटर है, मतलब यहाँ से पैक करवाते हैं लोग, अपनी गाड़ी वगैरह में ले जाते हैं। इन्होंने अभी गाड़ी में ख़रीदा है और वहाँ पे फूड ट्राई कर रहे हैं। लोकेशन वगैरह फ्रेजर स्ट्रीट है, ये सामने है जी यहाँ पे शॉपर्स ड्रग मार्ट। ये है जी इनका मेन्यू, आप मेन्यू देख लो। यहाँ पे सामने 47th स्ट्रीट का बस स्टॉप है, और भाई यहाँ पर है जी ये फूड ट्रक खड़ा। बाकी इनकी जो टाइमिंग वगैरह है वो सब चीज़ें मैं इनसे पता करके बताऊँगा। 100% कैनेडियन लिखा हुआ है जी इसके ऊपर, पता करते हैं। भाई दोस्तों फूड मेरा रेडी हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। टेक अवे काउंटर है, मतलब इनका जो ट्रक है मेनली टेक अवे के लिए, इस तरीके से ये पैक करके दे देते हैं कि आप गाड़ी में खाना चाहते हो या अपने घर लेकर जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। और मेरे को भी ट्राई करना था यहीं पर, तो मैंने इसलिए इनसे रिक्वेस्ट करके यहीं पे ट्राई करने लगा हूँ। सबसे पहले है जी मेरे पास पाव भाजी। आप भाजी की लुक देखो, काफ़ी बढ़िया लग रही है, मतलब जो ग्रेवी है ना काफ़ी बढ़िया एकदम बनी हुई है। और साथ में है जी पाव, पाव ऊपर सेके हुए हैं बटर से, काफ़ी अच्छे अंदर से भी काफ़ी अच्छे इसको सेक रखा है। साथ में जी मेरे पास भेलपूड़ी, और भेलपूड़ी की जो पोर्शन साइज़ है ना यार, सबसे पहले तो पोर्शन साइज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा है। इसके अंदर चटनी वगैरह चीज़ें डली हुई हैं, प्याज धनिया वगैरह से ऊपर गार्निश कर रखा है, बाकी इसके अंदर नमकीनें डली हुई हैं। तो ओवरऑल लुक काफ़ी कमाल की लग रही है। सबसे मेन चीज़ पोर्शन साइज़ जो है ना मेरे को बहुत सही लगा। साथ में मैंने लीजिए आलू टिक्की चाट, इसके अंदर दो टिक्की हैं, बाकी साथ में छोले वगैरह, प्याज धनिया ऊपर नमकीन वगैरह से गार्निश कर रखी है। लुक वाइज तो भाई सारा कुछ काफ़ी कमाल का लग रहा है। सबसे बढ़िया जो लुक लग रही है ना मेरे को लग रही है भेलपूड़ी की। अब बारी है जी इनको ट्राई करने की, भाई अब बारी है फूड को टेस्ट करने की। और मैं टेस्ट कर रहा हूँ जी ट्रक के अंदर, क्योंकि बाहर इनका टेक अवे काउंटर होने की वजह से कोई टेबल वगैरह तो है नहीं। रिक्वेस्ट करी तो इन्होंने मेरे को कहा जी आप अंदर अपना कैमरा रख लो और वीडियो शूट कर लो आराम से। सबसे पहले मैं ट्राई करने लगूँ जी भेलपूड़ी, भेलपूड़ी की लुक क्योंकि मेरे को ना सबसे कमाल की लगी थी, इसलिए सबसे पहले ट्राई भी यही करना बनता है। लुक आप देखो काफ़ी बढ़िया है, टेस्ट करता हूँ जी। भाई एकदम ना चटपटी टैंगी फ्लेवर जो होते हैं ना, इसके अंदर इमली वगैरह चीज़ें जो भी डली हुई, चटनी बहुत कमाल का टेस्ट दे रही है, एकदम चटपटी भेलपूड़ी बनी हुई है। बाकी प्याज टमाटर वगैरह का जो क्रंच आता है उस तरीके से, और पोर्शन साइज़ काफ़ी अच्छा है, मतलब ना दो बंदे भी ना इसको शेयर करके आराम से खा सकते हैं, इतना पोर्शन साइज़ है। और भाई इसका जो मैंने पे किया ये है जी $6 की, बाकी इसके ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स है। भाई नेक्स्ट ट्राई करने लगूँ जी आलू टिक्की चाट, इसके अंदर है भाई दो पीस टिक्की, प्याज टमाटर चटनी छोले वगैरह सबको डला, कॉम्बिनेशन जो है एक प्रॉपर मील लग रही है बढ़िया। इसको ट्राई करके देखता हूँ जी इसका फ्लेवर किस तरीके के हैं। बहुत बढ़िया भाई, मतलब जो वाइट छोले होते हैं ना जो हम लोग घर में बनाते हैं उस तरीके के फ्लेवर्स आ रहे हैं। बाकी चटनी वगैरह डलने से उसका टैंगीनेस बढ़ गया है, मतलब ना वैल्यू फॉर मनी है मेरे ख्याल से ना। ये इसका जो प्राइस है ना आलू टिक्की चाट का $7 है, मतलब दो बंदे शेयर करके खा सकते हैं। अगर एक बंदा खाएगा तो पूरी मील है, लंच डिनर आराम से हो सकता है। टेस्ट ओवरऑल बहुत स्वाद है, टिक्की का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। भाई लास्ट ही ट्राई करने लग रही पाव भाजी, और भाई इसके साथ मिलेगी मेरे को दो पाव भाजी, प्याज चटनी वगैरह सब कुछ। पाव तो ऑलमोस्ट सब जगह वैसे ही होता है, बटर वगैरह चीज़ लगा के सेक कर देते हैं, मेन चीज़ है पाव भाजी में भाजी। इसको ट्राई करके देखता हूँ। माइल्ड मसाले हैं, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं लगा मेरे को। बाकी इसके अंदर भी प्याज वगैरह चीज़ें गार्निश कर रखी हैं, जो पोटैटो मैश होता है ना आलू को मैश करके इसके अंदर बाकी चीज़ें मिक्स कर रखी हैं। ग्रेवी मसाला वगैरह ओवरऑल बहुत सही है, टेस्ट वगैरह अच्छा है। इसका भी जो प्राइस है ना वो भी सेम ही है, $7 प्लस टैक्स। बाकी भी अगर आप वैंकूवर डाउनटाउन के आसपास कभी आते हो और यहाँ पे फूड ट्राई करना चाहते हो तो इनकी टाइमिंग है 12 बजे से रात के 9:30 बजे तक आपको ये यहाँ पे फूड ट्रक मिल जाएगा। यहाँ का एड्रेस, फ़ोन नंबर, गूगल मैप लिंक वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
ट्यूसडे को इनका जो फूड ट्रक है ये क्लोज होता है। बाकी इनका स्ट्रीट फूड में मैंने तीन चीज़ें ट्राई करी हैं, बाकी और भी काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बाहर से इनका ट्रक का मेन्यू वगैरह दिखाया था। कलाइज करी किचन के नाम से इनका ट्रक है, आप यहाँ पे आना, फूड ट्राई करना। और अगर ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि वैंकूवर के हमारे पास कई सब्सक्राइबर भी हैं, किसी ने कर रखा है तो कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ का फूड कैसा लगता है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।